स्टोव जो है वो हमने निकलवा लिया, और इसके साथ हम यहाँ से जो लाइट है हमारी एक ये लाइट जो है वो लेंगे हम, और कारपेट जो है वो एक लेना है हमें। कारपेट हमें मिलेगा ऊपर के फ्लोर से। फुजेरा की एक मार्केट से हमने अपने कैंपिंग के लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी उनमें एक स्टोव था, जो पहले वाला स्टोव है उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ चुका है, एक स्टोव हमने लिया है, और वहाँ से एक जो लाइट है कैंपिंग लाइट वो भी हमने परचेज़ की है। उसके साथ हमने एक चटाई जो कारपेट था वो भी परचेज़ किया है, और हम फुजेरा से खरफकान की तरफ जा रहे हैं। फुजेरा से खुरफकान जाने का फासला 30 मिनट की ड्राइव का है। पिछले 2 से 3 साल की मुद्दत में सड़क को हमवार और कशादा बना दिया गया है, जिसकी वजह से सफ़र बहुत ही आरामदा हो चुका है। खुरफकान के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से पहाड़ों के अंदर से वादी का नमोदार होना आंखों को खीरा कर देता है। खुरफकान अगर बात करें तो अपनी लोकेशन के हिसाब से बहुत ही हसीन वादी की हैसियत रखता है। खुरफकान से दिब्बा को जाते हुए जो रोड इस्तेमाल किया जाता है उसकी एक साइड पर खुरफकान का बीच है, जिसकी डेवलपमेंट का काम जारी है, जबकि रोड के दूसरी जानिब एक शानदार वाटरफॉल बनाया गया है जो कि सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस वाटरफॉल के साथ ही एक यूनानी तर्ज का एम्पी थिएटर बनाया गया है। खुरफकान से बाहर निकलने वाली ये रोड समंदर के किनारे के साथ साथ चलती है, जिस पर आप दाएं बाएं और सामने बुलंदो बाला पहाड़ों का नज़ारा खूब कर सकते हैं। इस वक्त हम खुर्फकान से थोड़ा बाहर निकल के समुंदर के किनारे पर बैठे हैं और यहाँ आज हम बनाने वाले हैं फ्राई कीमा। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो है वो मौजूद हैं। ये स्टोव जो आज हमने परचेज़ किया था नए वाला, क्योंकि पुराने वाला जो है वो थोड़ा डिफेक्टिव हो गया, वो काम नहीं कर रहा। तो बस अब शुरू करते हैं कुकिंग को।